हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनस टेक्निकल गुरु चैनल में। तो आज हमारे पास फ्रेंड्स एक वीडियोकॉन कंपनी की टीवी बनने आई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीच से एक वर्टिकल लाइन आ रही, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ एक बार। इसे मैंने पावर दे दिया है, अब इधर हम बटन की सहायता से इसे स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब स्क्रीन में आप देखना कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये धीरे लेट ऑन होती है, ये देखिए आपको वीडियो में फ्रेंड्स थोड़ी बड़ी लाइन दिख रही होगी, मगर यहाँ बारीक सी एक आड़ी लाइन आ रही, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मॉडल नंबर। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपका समय ख़राब ना करते हुए इसका बैक कवर को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमने इसका बैक कवर को निकाल लिया, तो देखिए अभी इसकी कंडीशन, इसमें बहुत से डस्ट जमी हुई है। तो सबसे पहले हम किट को पूरा क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें फॉल्ट। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, इसकी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं। तो हमने इसमें पावर दे दिया है, अब इसे स्टैंड बाई हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिमटी की सहायता से आप ये 5 वोल्ट के टर्मिनल को शॉर्ट करिए। तो अभी फ्रेंड टीवी ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो आप मल्टीमीटर में भी ध्यान से देखिए हम कहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे 200 की रेंज में सेट कर लिया और एक प्रॉप को ग्राउंड में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ग्राउंड में लगा सकते हैं और यहाँ पर भी ट्यूनर में। तो देखिए सबसे पहले हम वर्टिकल की वोल्टेज चेक करते हैं पिन नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0.7 वोल्ट आ रहा है। और जो भी जो 1, 2, 3, 4 नंबर पिन में फ्रेंड देखिए माइनस वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और पिन नंबर ये लास्ट वाली में देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए 16 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लास्ट वाली पिन में फ्रेंड्स 100 वोल्ट आना चाहिए और बीच वाली में माइनस वोल्ट। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड नंबर पिन में भी नहीं आ रहा है, 6 नंबर पिन में वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए ये वोल्टेज कहाँ से आता है, तो ये टैग फ्रेंड्स इस कैपेसिटर में, यहाँ 50 वोल्ट 100 mA का एक कैपेसिटर रहता है, तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज कहाँ से मिलता है इसे हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक ESD के पिन नंबर 7 और 8 से यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगे रहता है, देख सकते हैं आप। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस लगे रहता है, फिर यहाँ पे एक डायोड लगा है, ये देखिए माइनस सप्लाई के लिए, और पिन नंबर 8 में प्लस सप्लाई के लिए रेजिस्टेंस है, फिर डायोड है। तो मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करा देता हूँ इसके इस तरफ। देखिए यहाँ पे प्लस वोल्टेज 16 वोल्ट और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माइनस 16 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मीन्स IC को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम IC को ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने IC के पिनों को ओपन कर दिया है, अब हम इसमें सप्लाई दे दिए, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं और देखिए आप वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाली पिन 2 नंबर पिन में वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो उसकी टैग फ्रेंड्स इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 वोल्ट शो हो रहा है, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। ये देखिए हमने ये वाली पिन में चेक करा 14 वोल्ट, और जो माइनस वोल्टेज शो नहीं कर रहा था फ्रेंड्स वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड में प्लस टर्मिनल को लगा देंगे और माइनस वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं जहाँ से माइनस वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए अभी ये माइनस वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी पिन नंबर 2 और 6 में प्रॉपरली वोल्टेज आ रहा है, पर बीच वाली पिन जो है इसमें माइनस वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कोई ना कोई ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग है इस कारण से। तो ये देखिए जो ग्राउंड माइनस वोल्टेज के लिए जो ट्रैक आ रही है उसमें देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा है, ये देखिए, ठीक है। ये जेनर डायोड मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जेनर डायोड लगा हुआ है। तो ये जेनर डायोड शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको आधी जानकारी ही मिल पाएगी। तो हम पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जेनर डायोड को चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम याले मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं क्योंकि उसका कंटिन्यूटी मोड ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे एक पिन लगाते हैं और एक यहाँ पे, तो देखिए ये शॉर्ट बता रहा है जेनर डायोड, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसका जेनर डायोड शॉर्ट है, ये देखिए। तो ये शॉर्ट क्यों होता है, और एक प्रॉब्लम ये भी आती है फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड टीवी में जब इसकी हम आईसी को बदलते हैं तो आईसी फ्रेंड दो या तीन दिन बाद फिर से फट जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी क्यों आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्टिकल के पास कैपेसिटर लगे रहते हैं, यहाँ पे एक लगा है फ्रेंड्स 100 mA 50 V का, और एक कैपेसिटर ये है। और देखिए यहाँ पर भी जो माइनस प्लस वोल्टेज की सप्लाई बनती है उसमें भी ये दो कैपेसिटर लगे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि फ्रेंड्स आईसी को ख़राब होने से बचाने के लिए कि आपको यहाँ के पूरे फिल्टरों को एक बार दूसरे लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये फ्रेंड्स कैपेसिटर अच्छे भी दिख रहे हैं पर ये अंदर से ख़राब हो जाते हैं, तो इसे एक बार हम पूरे कैपेसिटर को न्यू लगा देंगे। और डायोड का भी फ्रेंड्स, क्योंकि डायोड एक ख़राब है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी शॉर्ट बता रहा था, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये ख़राब है या नहीं। तो सॉरी फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर की दूसरी रॉड को पकड़ लिए थे। तो ये देखिए, ये डायोड सही है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ के पूरे कैपेसिटर को चेंज करना है, और यहाँ का भी एक कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पर डायोड फ्रेंड्स आप 159 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को भी देखना फ्रेंड्स कई बार, क्योंकि कई किटों में देखा होगा आपने ये रेजिस्टेंस जल जाते हैं। ये 1 ohm का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी आईसी को हम सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसका जेनर डायोड को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि माइनस वोल्टेज आता है या नहीं। तो जेनर डायोड को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसका जेनर डायोड को निकाल दिया है। इसका नंबर है फ्रेंड्स 22 लिखा हुआ है, इसमें नीचे ST है, ST लिखा हुआ है। तो हम दूसरी किट से यहाँ पर लगा जेनर डायोड को निकाल लेते हैं, और वहाँ पे लगा के देखते हैं कि माइनस वोल्टेज आ रहा है या नहीं। मैं एक बार आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए हीट सिंक के जस्ट पास में ये जेनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने इसका जेनर डायोड को चेंज कर दिया। अब देखिए हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड वायर में इस रेड प्रॉप को लगा देते हैं, क्योंकि हम माइनस वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए इसकी माइनस वाली बीच वाली पिन, तो देखिए इसमें 17 V आ रहा है, ठीक है। एक बार हम माइनस से चेक कर लेते हैं, तो देखिए -17 V, और ऊपर वाली पिन का ट्रैक ये है, तो यहाँ पर भी 17 V, और लास्ट वाली पिन 6 नंबर पिन यहाँ पे 19 V। तो अब फ्रेंड्स इसके पूरे वोल्टेज प्रॉपरली बन रहे हैं। तो एक बार हम फिर से इसमें टाका मार के देखते हैं कि आईसी अगर वोल्टेज को डाउन कर रही है तो हम आईसी को बदलेंगे, क्योंकि इसमें आईसी फ्रेंड्स 78141 लगी है। तो एक बार हम इसमें टाके मार के देख लेते हैं, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी तो बदल लेंगे। मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए ना। तो फ्रेंड देखिए, हमने इसमें आईसी में टाका मार के देखे हैं, पर ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है, ठीक है। तो आईसी को हम बदल देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इसकी आईसी बदल दिया है। उसके बाद चलिए एक बार इसे हम ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पुरानी आईसी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये इसकी पुरानी आईसी, ठीक है। इसका नंबर है LA78141। तो इसमें फ्रेंड्स आप ओरिजिनल आईसी ही लगाइएगा, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट आईसी भी आती है, ठीक है। और देखिए हमने टीवी को ऑन कर दिया, अब स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। स्टैंड बाय भी हमने रिलीज कर दिया है। उसके बाद देखिए ट्यूनर में ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद अब इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम पिन नंबर 2 पे प्लस वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें इसे सीरीज से हटाना होगा, क्योंकि ये लोड लेने पर बंद हो जाती है, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ फ्रेंड्स लाइन से। देखिए 0.6 V पिन नंबर 2 में। तो ये जो पीला वायर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ट्रैक ख़राब हो गई थी इसलिए हमने इसे लगाया। तो पीला वायर ये 50 V के प्लस वाले पॉइंट पर आएगा, जो यहाँ कैपेसिटर लगा है। तो ये देखिए यहाँ पर 17 V आ रहा है। और पिन नंबर 3 पे फ्रेंड्स, पिन नंबर 3 देखिए इसकी ट्रैक कहाँ पे आई है ये। तो पिन नंबर 3 पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब पिन नंबर 4 में चेक करेंगे, जिसमें माइनस वोल्टेज आता है। तो उसकी ट्रैक फ्रेंड्स ये है, देखिए -16 V आ रहा है, ठीक है। ये भी वोल्टेज सही है। अब पिन नंबर 5 चेक करेंगे फ्रेंड्स, पिन नंबर 5 की ट्रैक देख लेते हैं ये है।
ये नेगेटिव पॉइंट में कैपेसिटर के, तो यहाँ पर भी माइनस 13 वोल्ट ठीक है। और पिन नंबर फ्रेंड 6 में देखिए, यहाँ पे प्लस वोल्टेज आता है 16-17 वोल्ट, तो ये वोल्टेज भी सही आ रहा है। और पिन नंबर 7 में देखिए, पिन नंबर 7 में 0.6 वोल्ट। और मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जो इसमें वर्टिकल लाइन आ रही थी अब ये लाइन चली गई है, देखिए, ठीक है। इसे अब हम एवी करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एवी भी हो गया है। और इसमें मैं आपको वीडियो भी चलाकर दिखा देता हूँ। तो हमने सेटअप बॉक्स को ऑन कर लिया है, यहाँ पे हम वीडियो सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स वीडियो भी आ गया है। तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स इस जेनर डायोड ख़राब होने के कारण हुई थी, और इसके कैपेसिटर भी ख़राब हो गए थे, तो हमने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया है यहाँ पर। और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखिए प्लस वोल्टेज 16 वोल्ट और यहाँ माइनस वोल्टेज माइनस 16 वोल्ट, ये देखिए माइनस 16 वोल्ट और ये प्लस 16 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।